घर का बुनियाद होता है ना दोस्तों, जिससे घर को मजबूती मिलती है। अगर ना हो तो घर कमजोर हो जाता है। बस इसी तरह सेल का बुनियाद होता है साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन ना केवल सेल को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, साथ ही साथ उसके शेप को भी मेंटेन कर रखता है। तमाम मोटाइल सेल्स के मोटिलिटी में भी मददगार साबित होता है। तो क्या होता है साइटोस्केलेटन, जानना चाहेंगे आप? कैसा होता है साइटोस्केलेटन, इसके ताल्लुक से अपने नॉलेज को बढ़ाना चाहेंगे आप? जी हाँ दोस्तों, साइटोस्केलेटन फिलामेंटस प्रोटीनस स्ट्रक्चर्स के इलाबोरेट नेटवर्क से बनता है, जिसमें माइक्रोट्यूबुल्स, माइक्रोफिलामेंट्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स वगैरह शामिल हैं। फिलामेंट के नेटवर्क साइटोप्लाज्म में फैले हुए पाए जाते हैं। साइटोस्केलेटन के बारे में जानने के बाद सिलिया और फ्लाजिला के बारे में जानना भी आपके लिए इल्म में इजाफा बख्श साबित होगा दोस्तों। सिलिया और फ्लाजिला प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर मौजूद हेयर लाइक आउटग्रोथ्स होते हैं। सिलिया छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि मल्लाह के चप्पू की तरह काम करते हैं। वे सेल को मूव कराते हैं या फिर सराउंडिंग फ्लूइड को, जबकि फ्लाजिला कंपैरेटिवली लंबे साइज के होते हैं जो कि मुख्यतया सेल मूवमेंट के लिए ही पहचाने जाते हैं। होने को तो प्रोकैरियोटिक बैक्टीरियल सेल में भी फ्लाजिला पाया जाता है, लेकिन इनके फ्लाजिला यूकैरियोटिक फ्लाजिला की तुलना में स्ट्रक्चरली फर्क होते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी से पता चलता है दोस्तों कि सिलिया और फ्लाजिला भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड होते हैं। इनके कोर रीजन को एक्सोनियम कहा जाता है। एक्सोनियम लॉन्ग एक्सिस से पैरेलल होकर अरेंज्ड तमाम माइक्रोट्यूबुल्स के अरेंजमेंट से बनता है। प्रत्येक एक्सोनियम में रेडियली अरेंज्ड 9 डबलेट्स और एक जोड़ी सेंट्रली लोकेटेड ट्यूबुल मौजूद होता है। एक्सोनियमल माइक्रोट्यूबुल के ऐसे अरेंजमेंट ही को 9+2 एरे कहा जाता है। सेंट्रल ट्यूबुल्स आपस में ब्रिजेस द्वारा इंटरकनेक्टेड होते हैं और सेंट्रल शीथ से सराउंडेड। प्रत्येक पेरिफेरल डबलेट का कोई एक ट्यूबुल से निकला हुआ रेडियल स्पोक इन्हीं सेंट्रल शीथ तक पहुंचता है, यानी कि ऑलटुगेदर 9 रेडियल स्पोक्स पाए जाते हैं। अच्छा, जो पेरिफेरल डबलेट्स हैं वो भी आपस में लिंकर्स नाम के ब्रिजेस द्वारा इंटरकनेक्टेड होते हैं। सिलिया और फ्लाजिला दोनों बेसल बॉडीज नाम के सेंट्रल लाइक स्ट्रक्चर्स से ही ओरिजिनेट होते हैं। साइटोस्केलेटन और सिलिया फ्लाजिला के ताल्लुक से जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो यही थी। ऐसे और वीडियोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट करें।